हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आईपी टेक्सल स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे लाइव क्लासेस में। अभी जो आप वीडियो देखने जा रहे हैं, ये कोई रिकॉर्डेड सेशन नहीं, ये लाइव सेशन है। और हमारे साथ टीम्स पे मिस्टर श्रीकांत साहू हैं, जो कि मुंबई से मेरे साथ क्लास ले रहे हैं। और आज की क्लासेस में हम बात करने वाले हैं पावर बीआई के अंदर जो डैशबोर्ड्स बनाते हैं उसके लिए जो फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं वो फंक्शंस क्या है, कैसे, इसके बारे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर आप पावर बीआई खुद सीखना चाहते हैं तो हमारे लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पास 1-to-1 क्लास और ग्रुप क्लास दोनों है। अगर आप ग्रुप क्लास लेना चाहते हैं तो मेरी ग्रुप क्लास शुरू हो रही है 16 अगस्त से, जी हाँ 16 अगस्त से रात के 9 बजे, जिसकी सीट की बुकिंग शुरू हो चुकी है क्योंकि 12 लोगों का बैच होता है और मैं चाहने वाले बहुत है। तो फटाफट जाइए bi.iptindia.com पे और वहां पे आके आप, अगर आप डेमो लेना चाहते हैं तो डेमो क्लास बुक कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट इनरोल करना चाहते हैं तो डायरेक्ट इनरोल करके अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हैं। इस क्लासेस के अंदर आपको मिलेगा कंप्लीट पावर बीआई, टैक्स फंक्शन, डैशबोर्ड, पावर क्यूरी, एसक्यूएल सर्वर, एसक्यूएल क्यूरी एंड फंक्शन, डेटाबेस कनेक्टिविटी और बहुत सारे चीज जो एमआईएस प्रोफाइल के लिए जरूरी है। 35 डेज के आसपास ये क्लासेस चलेगा, मंडे टू फ्राइडे डेली 1 घंटे की क्लासेस होगी। क्लास के बाद इसकी वीडियो, नोट्स और साथ में मेरी टेलीफोनिक सपोर्ट आपके साथ रहेगा। तो ग्रुप क्लास अगर ज्वाइन करते हैं तो उसके लिए आपको फीस 2000 पे करनी है, लेकिन श्रीकांत साहू जी की तरह आपको 1-to-1 करना है जिसके लिए आपको 12000 रुपए का फीस पे करना पड़ेगा। ग्रुप क्लासेस में पैसे स्प्लिट हो जाते हैं जिस कारण से आपका कम पड़ता है, लेकिन मटेरियल, क्लास पढ़ाने का तरीका, अटेंशन सब कुछ सेम होगा जो एक 1-to-1 में होता है और एक ग्रुप क्लास में होता है। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। श्रीकांत साहू जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, हाँ सॉरी, गुड इवनिंग, माफी चाहूंगा। वो भी यूएस से क्लास ले रहा था, मैं तो नहीं सुन रहा था। नहीं नहीं यार, नहीं नहीं यार, लगता है मैं क्लास ज्यादा हो गया इसके लिए अब गुड मॉर्निंग में हूँ। ओके, तो हम बात करेंगे पावर बीआई के अंदर डैक्स फंक्शन। लास्ट में हमने कौन सा फंक्शन किए थे? टेक्स्ट हो चुका है। चलिए टेक्स्ट के बाद हम बात करेंगे डेट एंड टाइम पे। ये डैशबोर्ड खुला है, इसको बंद करते हैं और पावर बीआई डेस्कटॉप पर। सर रिकॉर्डिंग चालू कर देना प्लीज। जी हाँ, रिकॉर्डिंग चालू है। थैंक यू, थैंक यू। टेक्स्ट आपने शायद पूरा ही कंप्लीट कर दिया था, मैंने देखा था आपका वीडियो। हम बात कर रहे हैं एसक्यूएल के डेट फंक्शन, सर इसकी पावर बीआई के अंदर डेट की कैलकुलेशन क्या हो। तो आपके सामने दिख रहा है एक ऑर्डर डेट, और मुझे सबसे पहले जानना चाहूंगा इस ऑर्डर डेट में से अगर कुछ पार्ट अलग करने हो तो कैसे करो, ठीक है? अगर बहुत बड़ा डेटा है तो मैं सबसे पहले जाऊंगा अपने ट्रांसफॉर्म पे और हम कुछ डेटा को हाइड कर देते हैं। तो कहां से? मैनेज में, और यहां पे आपके सामने आएगा सर इसके पहले ये पावर क्यूरी दिया चूज कॉलम्स में। हम यहाँ पे रो आईडी हटा देते हैं, ऑर्डर आईडी हटा देते हैं, ऑर्डर डेट हमें, सीट डेट हमें दीजिए, सिक्योर हमें दी, कस्टमर आईडी, ये सब चीज हटा देते ताकि यह डेटा थोड़ा छोटा हो जाएगा ना। ठीक है, तो मतलब ये डेटा डिलीट नहीं होगा ना? नहीं, डिलीट नहीं होगा, ये हाइड हो जाएगा। ओके, छोटा हो गया। ओके, अब यहां से भी आप जो है डिलीट वगैरह कर सकते हैं, आपको डिलीट करना हो तो यहाँ पे जो लगाते हैं यहाँ पे ले लीजिएगा।
बट डेटा में रहे, हाँ रिमूव करते हैं तो डेटा से नहीं रहे, जैसे डिलीट कर दिया तो प्रोडक्ट नेम डिलीट हो, यहां से हट जाए। तो सबसे पहले डेट है, ऑर्डर डेट है, मुझे इस ऑर्डर डेट में से कुछ पार्ट चाहिए, कैसे करें? तो उसके दो तीन तरीके ध्यान से थे। सबसे पहला तरीका जो हम एक्सेल में इस्तेमाल करते थे, पाई फॉर्मूला, जैसे मुझे ईयर चाहिए तो यहां पे हम क्या लगाएंगे, ईयर का फॉर्म, तो ईयर और ईयर के अंदर में हम लगाएंगे डेट, ऑर्डर डेट, और इसको क्लोज कर दो। तो आपका ईयर आ गया, मुझे इसमें मंथ चाहिए तो मैं यहां पे मंथ डालूंगा, ये हमारा मंथ दे देगा, और मैं यहां पे अगर डे चाहूं तो ये हमारा डे दे देगा। एक तो बाय फॉर्मूला है, ठीक है, लेकिन आप फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। अब जब डेट को कॉल कर दे, मैं यहां पे ऑर्डर डेट को कॉल किया, ये देख सकता है आपको पार्ट, अगर मैंने इसे ईयर सेलेक्ट कर लिया तो ईयर आएगा, अगर मैंने इसमें से ईयर सेलेक्ट नहीं किया, मैंने सेलेक्ट कर लिया मंथ, तो मंथ आएगा, ठीक है। ओके हेलो, हेलो सर, नेटवर्क गया क्या? कोई ना एक कॉल आ रहा था उसके बाद पे बस। ओके 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 नेटवर्क गया, कुछ मूवमेंट नहीं हुआ ना, कॉल को म्यूट कर रहा था, उनको ताकि चलिए। तो यहाँ पे हम आते हैं मंथ नंबर, मंथ नंबर करेंगे तो मंथ नंबर में आएगा, देन यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे क्वार्टर करेंगे तो क्वार्टर में मतलब कि आप फॉर्मूले मंथ नंबर में क्या फर्क है, क्या समझ में आ रहा है? आपने जो समझा, आपने जो समझा वही चीज है। अब यहाँ पे क्वार्टर, क्वार्टर Q1 Q2 आएगा, एंड अगर आप क्वार्टर नंबर करेंगे तो 1 2 3 4 में आएगा, ठीक है। तो दो तरीके हमने, दो तरीके सीखे डेट का पार्ट निकालने का, एक तो आपका बाय फॉर्मूला ईयर मंथ डेट, दूसरा आपने लगाया डेट का ही पार्ट लिया, तीसरा फॉर्मेट का, जो टेक्स्ट में मैंने आपको सिखाया था, जैसे एक्सेल का फॉर्मूला में टेक्स्ट होता है, ऐसे आप फॉर्मेट, फॉर्मेट में मैंने यहां पर ऑर्डर डेट डाल दिया, और जो कस्टम फॉर्मेटिंग में याद है मैंने कोड बताए थे, सेम कोड चलेगा, क्योंकि हम अगर करते हैं डी 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 तीन बार डी डी तो क्या आएगा, एमएनएम करेगा तो मंथ आएगा, वाई 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 करेंगे तो ईयर आएगा, मुझे मंथ और ईयर दोनों चाहिए तो यहाँ पे है एमएम स्लैश वाई वाई, मंथ और ईयर दोनों आए। मैंने क्या बोला, कस्टम फॉर्मेटिंग के सारा कोड इसके अंदर आएगा ना सर, ठीक है ना, हर चीज करके दिखाना जरूरी नहीं, लेकिन इसमें क्या होगा, रिटर्न एज ए टेक्स्ट होगा, क्या होगा, रिटर्न एज ए टेक्स्ट, ठीक है, बट डेटा टाइप चेंज करके आप इसको नंबर कर सकते, होल नंबर करेंगे तो यहाँ पे अंबर में चलूंगा, हो गया सर? ओके सर, ओके सर। तो डेट सेपरेट करना समझ में आ गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं सर? नहीं सर। चलिए अब इसके अंदर में डेट सेपरेट कर लिया तो डेट ज्वाइन करना सर, जैसे एक्सेल में डेट ज्वाइन कर लिया था ना कि 2023 कॉमा मंथ 10 कॉमा डे 1 ब्रैकेट क्लोज करके अंदर हमारा, तो आप देखिए आपके सामने आ गया, लेकिन डेट नंबर फॉर्म में आया, चेंज करना डेट एंड टाइम कर दीजिए,
फॉर्मेट चूज कर लो। टाइम नहीं चाहिए तो यहाँ से बोला फॉर्मेट चेंज करे ना जी क्या फॉर्मेट। ओके 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 समझ गया। ठीक है ठीक है। तो डेट फॉर्म पहले तो आपको सेपरेट करना सिखाया, आपको मर्ज करना सिखाया। ठीक है अब बात आती है कि इसका यूज क्यों पड़ता है, क्यों पड़ता है इसका यूज। अब यहां भी हुआ कि मैं ऑर्डर डेट है मेरा शिप डेट, शिप डेट हुआ, अब मेरा ड्यू डेट निकालना है। तो ड्यू डेट निकालने का पर्पस यही है कि जो शिप डेट है जो मंथ हुआ है उसी मंथ की लास्ट तारीख, यानी सॉरी उस जिस डेट में शिप हुआ है उस डेट की अगली 26 तारीख। रुकना है कि नहीं? नहीं समझ। 14 दिन को शिप हुआ ना, 26 अगस्त को जाएगा इसका ड्यू डेट होगा। ओके मतलब हमें ऑर्डर मिला, हमने शिपमेंट किया, पेमेंट डेट या ड्यू डेट कब तक मिला, पेमेंट आ जाना चाहिए। तो पेमेंट का है कि भाई आप आपके शिप जो भी हो गया उस महीने की, इस महीने 1 तारीख हुआ तो अगले महीने की 26 तारीख, इस महीने की 20 तारीख को शिप हुआ तो इसी महीने की अगले महीने की 26 तारीख। ओके, जिस महीने आपको हम भेजेंगे सामान भेजेंगे उसके अगले महीने की 26 तक पेमेंट आ जाना चाहिए। ओके मतलब आप कह रहे हो कि अगर मैं आज सामान दे रहा हूँ तो अगले महीने के 26 तारीख तक पेमेंट आ जाना चाहिए। अक्टूबर 1 से लेके 31 अक्टूबर तक सामान भेजूंगा उसकी पेमेंट 26 नवम्बर तक आ जानी चाहिए। यहाँ पे मेरा 26 फिक्स है, डेट और ईयर फिक्स नहीं है, मंथ और ईयर फिक्स नहीं है। तो क्या करेंगे यहाँ पे इसी मेथड में करेंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे ईयर के लिए, हम यहाँ पे ईयर ले लेंगे किसी मेथड से ले लीजिए ईयर। तो हमने यहाँ ऑर्डर डेट लेता हूँ, ऑर्डर डेट रिसीव डेट है, शिप डेट, शिप डेट में से हमने क्या लिया ईयर लिया। ठीक है अब अगेन हम शिप डेट में आते हैं, शिप डेट और शिप डेट में से हम मंथ नंबर को लेंगे और इसमें प्लस 1 कर देते हैं और 26 हो जाएगा। ठीक है सर। ओके तो हमने यहां से ईयर ले लिया, हमने यहां से मंथ लिया, मंथ में प्लस 1 कर दिया अगला महीना नेक्स्ट मंथ, और 26 मेरे पास फिक्स था तो फिक्स कर दिया। तो इस तरह की कैलकुलेशन अगर आपको करना हो तो उसके लिए आपको पावर बीआई में डेट फंक्शन की जरूरत पड़ती है। ओके समझ में आया? थोड़ा समझ में आया। और एक एग्जांपल सिंपल सी बात समझिए ना कि आपको ईयर मंथ डे अगर तीनों अलग अलग कॉलम में मिला है तो उसको कंबाइन करके एक कॉलम में लाने के लिए डेट फॉर्मूला है। ऐसे डेट बनाने के लिए अब इसका यूज जहां भी आपको जरूरत वहां कर सकते हो। जैसे मान लीजिए हमारे पास ईयर जो है ये हमारे ड्यू डेट है, ड्यू डेट डिलीवर। अब मुझे यहां पे कैलकुलेट करना है लीगल डेट, एल डेट। और लीगल डेट क्या होता है कि भाई आपको ड्यू डेट के कब तक पेमेंट आपका नहीं आया, कितना दिन बाद तक में हम लीगल एक्शन नहीं लेंगे। बराबर तो हम अपने कस्टमर को, हम अपने कस्टमर को हम 2 साल 4 महीने 22 दिन देते हैं। अब मुझे यहां पे 2 साल 4 महीने 22 दिन का डेट निकालना जहां तक उसको लीगल कार्रवाई के लिए नोटिस भेजेंगे। समझे? तो डेट कैसे निकालते, मुझे इस डीडी वाले डेट के अंदर में 2 साल 4 महीने 22 दिन जोड़ना है। तो क्या करेंगे इसके लिए, इसके लिए हम यहां पे एलडी लिखते हैं और यहां पे डेट का फॉर्मूला लेते हैं, डेट और डेट के अंदर हम डीडी
और डीडी में से हम क्या निकालते हैं, ईयर निकालते हैं, और ईयर भी क्या करेंगे 2 साल है। फिर हम यहाँ पे डीडी करते हैं, यहां से इसमें क्या निकालेंगे मंथ नंबर और इसमें प्लस 4 और फिर यहाँ पे डीडी और क्या निकालेंगे दे, और 22। तो 2 साल 4 महीने 22 दिन और इसको यहां से टाइम के डेट के फॉर्मेट भी चेंज कर लीजिए जैसा फॉर्मेट चाहिए आपको। ठीक है ओके okay, मतलब ये क्या कर रहे हैं सर, मतलब ये मतलब ये ईयर का 2 साल निकल रहा है, 4 महीने निकल रहा है और डेट क्या कर रहा है, सुनिए क्या कर रहा है कि पहले वो ईयर निकाला, ईयर इसमें से 2011 निकाल लिया और 2011 में 2 जोड़ के 2013 दे रहा है डेट को, बराबर। फिर इसमें से 6 निकाला, 6 में 4 जोड़ के क्या दे दिया, और 8 है सॉरी 4 जोड़ के 1 महीना दे दिया, सात है यहाँ पे 7 में 4 जोड़ दिया, 4 जोड़ के क्या दिया 11 दिन दे दिया, 11 देगा, 7 से 11 होता है ना। अब यहाँ बात होना चाहिए, अब बात तो सुनने आगे, अब दे इसलिए निकाला दे 26 दिन और 22 दिन जोड़ा, अब 26 दिन और 22 दिन जोड़ने पे अब तारीख पूरी आपको 56 दिन बना दे, नहीं वो अगले महीने का डेट दे, तो वही क्या करेगा कि 31 मैंने जिस जो मंथ जोड़ रहा है उस मंथ में जितना दिन नवंबर हुआ ना, नवंबर में 30 दिन होते हैं तो 30 इसमें से माइनस करके मंथ में 1 जोड़ दे रहा है, जिस कारण से रिजल्ट आपके यहाँ 12 आ रहा है। समझ गया। दिमाग लाए काम करता है सर, अरे दिमाग सर पावर बी आई के इंजन में जो है ना एक बिराम का दिल बनता है ना सर, इसलिए बादाम से जो है दिमाग बनता है ना, इसलिए इसका दिमाग बढ़ गया। ठीक है सर, ठीक है सर, एक नॉन टेक्निकल बंदा था, हाँ, वो कैलकुलेशन मतलब कर रहा था और मैं भी कर रहा था, तो बोलता है एक्सेल इतना अच्छा से कैलकुलेशन कर कैसे लेता है, इतना सोचता कैसे। हमने बोला कि आप जो है ना सर में क्या लगाते हैं, सरसों का तेल, हाँ ये जो है ना अपने सर में बादाम का तेल लगाता है, कल से आप भी बादाम लगाया करो, आपको जो है ना एक्सेल से पास सोचोगे। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं इसमें, तो डेट की कैलकुलेशन आ रही है, अब बात करते हैं डेट में नॉर्मली डेट एडिट कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये तो नॉर्मल डेट था, सब ठीक, अब मैं जो ड्यू डेट मैंने कि मुझे कॉल डेट निकाली, मैं पेमेंट के लिए कब कॉल करूंगा, तो शिपमेंट होने के 12 दिन बाद, तो मुझे अपने डेट में क्या जोड़ने हैं 12 डेज। ठीक है, तो सी डेट में हम यहां पे आते हैं और यहां पे लिखते हैं कि सिप डेट, यहां पे जोड़ने के लिए कुछ नहीं करना है कि सिप डेट में प्लस 12 ये 12 दिन जुड़ जाए। ठीक है, समझे, तो 12 दिन जोड़ के आपके सामने आ, जो भी डेट होगा उसमें क्या जुड़ जाएगा 12 दिन जोड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन मुझे दिन नहीं जोड़ने, मुझे महीने जोड़ने, मतलब उसके यहां अपना बंदा कब भेजेंगे। ओके, तो आपको डिलीवरी होने के 3 महीने बाद उसके यहां बंदा भेजेंगे, 3 महीने तक उसने पेमेंट नहीं किया तो उसके अपना रिकवरी एजेंट भेजना हो, या तो शॉप पे या दुकान पे जो भी है, तो रिकवरी एजेंट कैसे भेजेंगे, तो उसका रेट कैसे निकाले। अब यहां तो ऐसा नहीं है कि आप जो है अपना क्या बोलते हैं उसको, सर पावर बी आपको अपडेट मांग रहे हैं, 90 डेज जो है ऐड कर दे, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कि इसमें आप 90 डेज ऐड कर दो। ठीक है,
तो यहां पे हम क्या करेंगे, लगाएंगे फॉर्मूला ई डेट, और जो मेरा शिप डेट है उस शिप डेट के अंदर प्लस प्लस नहीं 3.3 मंथ। तो आपको अगर मंथ जोड़ना है तो क्या लगाएंगे, ईओ मंथ। क्या लगाएंगे सर, ईओ ईओ मंथ, मन। समझे, हाँ सर, हाँ सर। ईओ मंथ लगाएंगे। ईओ मंथ क्या करता है कि सिर्फ मंथ में ऐड करता है, जैसे जून में हुआ ना 14 जून है, या पे देखिए आपको 14 सितंबर आ गए, उसे 6+3 करके 9 दिन। ओके। अगर आपको माइनस करने हैं तो यहीं पे क्या करेंगे, जस्ट माइनस करने, तो आपका माइनस हो। सर, ई डेट सर, ई मतलब डेट जो मतलब एक्सेल जो में पढ़ा था, एक्सेल में पढ़ा था, ईओ डेट, ई डेट ई वही है डेट, ना। हाँ वही है वही है वही, हाँ बराबर, तो ठीक है। ई डेट से जोड़ सकते हैं आप यहाँ। तो हमने आपको एक एक डेट के अंदर क्या बना सिखा दिया कि आप कितने, मान लीजिए एक पर्टिकुलर डेट, पर्टिकुलर मंथ या एक पीरियड को कैसे ऐड करेंगे, ये क्लियर है। हाँ सर, तो यहाँ पे दो, हमने दो चैप्टर क्लोज किया। पहला चैप्टर क्लोज किया कि हाउ कैन एक्सट्रैक्ट द डेट एंड हाउ कैन कंबाइन द डेट, ठीक है। बराबर बराबर। नेक्स्ट हमने किया कि हाउ कैन कैलकुलेट द डेट, कि हम डेट के अंदर कोई एडिशन कैसे करें। बराबर बराबर। अब एडिशन के बाद अगला जो चैप्टर हमारा आता है वो आता है डिफरेंस, कि दो डेट के बीच में हम डिफरेंस कैसे। ओके। डेट इफ, अपना एक्सेल में अपना डेट एक्सेल इफ में बोल डेट के इफ था। बोल के था, देखते हैं यहां पर। तो यहां पे अगर मान लीजिए हम यहाँ पे DIF करते हैं, आपको डिफरेंस कुछ ये पता करना है कि टोटल नंबर ऑफ डेज कितना हुआ आज की डेट से। तो बराबर आपके बराबर। सिस्टम में आज टुडे है, तो यहाँ भी टुडे है, टुडे करेंट सिस्टम डेट, टुडे माइनस मैंने शिप डेट कर दिया, क्या कर दिया, शिप डेट, एंटर प्रेस किया, तो आपको नंबर ऑफ डेज आ जाएगा। यहाँ पे डेट एंड टाइम आया, तो इसको आप कर दीजिए होल नाम, यस, इसने बता दिया इतने दिन हो, चौदह जून दो ओके हजार चौदह से आज तक इतने नंबर ऑफ डेज हो चुके हैं। तो डिफरेंस निकालने के लिए लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट, सिंपल सा, ओल्डेस्ट ओल्डेस्ट। सर, ठीक अगर ये है। मंथ जानना है मंथ तो जानना सर, है तो मंथ सर मंथ मंथ कितने जानना महीने है तो महीने। यहाँ पे डेट DIF है, जैसे वो एक्सेल में था, जिसमें आपने डालना है अपना स्टार्ट डेट, जो कि हमारा शिप डेट है, कॉमा, और हमारा जो एंड डेट है वो क्या है, टुडे, ब्रैकेट ओपन क्लोज। और यहां पे हमने क्या कर दिया, वाई एम, नहीं सॉरी एम करते, एम सॉरी खाली एम कर दो सर, एम मंथ करते, सर, एम मंथ सॉरी एम को बनाना है इनवर्ट कॉमा, एम आएगा सर, एमएम आएगा सर, तीन बार एम नहीं एम सॉरी आएगा यहाँ सर। डालना, नहीं यहाँ डालना, यहाँ पे डालना, मंथ सेलेक्ट करना है, डालना नहीं, ओके। ये आपको महीना। अच्छा, इसमें ऐसा अच्छा। नहीं है कि आपको ईयर के बाद का महीना पता चल जाएगा, नहीं, ईयर, अब ऐसा नहीं है इसमें कॉमा और डाल सकते, नहीं डाल सकते, ठीक है। तो ओके। तो एक ईयर ही टाइम में में एक ही मंथ कर में सकते कर हैं, सकते हैं सकते जी, हैं एक हाँ ही टाइम मंथ एक ही में, टाइम। हाँ मंथ में यहाँ दे सकते हैं, ठीक है। तो आप मंथ के हिसाब से ले लीजिए और उसमें डिवाइड बाय 12 करके माइनस करके निकाल सकते हैं आप। सर, अगर सर, ये अगर ईयर ये के ईयर बाजू के में हम लोग बाजू में मंथ हम ले लोग मंथ लें तो ले लेते यही हैं, यही फॉर्मूला को आप फॉर्मूला का, तो कॉपी मंथ करके अगर ओवर किया। मंथ आपका ओवरऑल देगा ना सर। अगर मुझे नहीं, 12 महीने के ये बाद का मंथ चाहिए, बताता हूँ आपको, आप जो बोल रहे हैं ना वो नहीं हो, DIF, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेट DIF, डेट DIF, इसमें हम देते हैं शिप डेट कॉमा टुडे, और यहाँ पे इंटरवल है मंथ कर दिया, तो ये मंथ 12 साल के बाद का थोड़ी दिखाया, तो ओवरऑल दिखाएगा 148 महीना। ओके ओके, ओके तो ओके, कैसे समझ गया सर, समझ निकालेंगे, गया सर। कैसे निकालेंगे कि भाई 12 साल के बाद मंथ कितना है, कैसे निकालेंगे, कुछ आइडिया है। 12 साल के बारह साल बाद के बाद मंथ कितना मंथ है कितना है सर? सर, ईयर 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 ले ईयर सकते, ले ईयर और सकते, ईयर मंथ, और मंथ ईयर ईयर नहीं ले सकते, प्लस फॉर्मूला नहीं मंथ। देगा, नहीं ऐसा, वो मैं तो इसको भी क्या हाथ करना में पड़े, कुछ नहीं करना आपको,
कि इसमें आपको जस्ट माइनस करना है बी आई एफ मल्टीप्लाई बाय 12। समझ में आया मैथमेटिकल कैलकुलेशन? ओके ओके देखिए बराबर समझे। जो माइनस में आया उसको जीरो कर दीजिए। बराबर जैसे यहाँ 10 साल था तो 10 साल में कितना यहाँ पे मंथ कितना दिखा रहा है 118 महीना। अच्छा ये देखो यहाँ दिख रहा है आपको सर, ये भी दिक्कत है। 118 महीना हुआ जबकि 10 साल अगर हुआ है तो 118 महीना नहीं 120 महीना होना चाहिए ना। अरे हाँ अरे हाँ तो इसमें आपको एक माइनस करना पड़ेगा। ईयर जो दे रहा है गलत दे रहा है, वो राउंड अप करके दे रहा है आपको। ओके ओके तो ऐसा आप करते हैं इसमें से माइनस 1 पहले आपको करना पड़ेगा ठीक है, और उसके बाद इसमें आप क्या करेंगे माइनस मल्टीप्लाई डी आई एफ मल्टीप्लाई बाय 12। अब आ गया 10 9 साल 10 महीने 10 साल 11 महीने। तो आपने दिमाग नहीं लगाया, मैंने लगा दिया। क्यों? क्योंकि लोग बचपन में बादाम खाते हैं, मैं अभी भी खाता हूँ। हाँ मैंने बादाम ही नहीं खाया इसके लिए, महंगा है ना सर बादाम। सर इसको अगर जोड़ना रहेगा तो पिछले टाइम आपने बताया था कॉन्करेंट, तो एक ना मुझे खाली एक बार बता दो, मैंने प्रैक्टिस किया था कॉन्करेंट कैसे करते सर एम परसेंट लगा के, एक बार बता दो सर। ये शीट मोड और कस्टमर नेम और सब कैटेगरी को कॉन्करेंट करो ना, कस्टमर नेम और सब कैटेगरी को कॉन्करेंट करके यहाँ पे करो ना। मैं एक बार जैसे एक्सेल में आपने किया तो ऐसे यहाँ पे होगा। यहाँ पे आप कस्टमर नेम लिया एम स्पेस देके एम स्पेस डैश अगेन इन्वर्टेड कॉमा में सेपरेटर डालना है, देन यहाँ पे सब कैटेगरी डाल दीजिए। अब ये भी पूछने वाली चीज तो नहीं है विकांत साहू जी। बराबर है सर, पर थोड़ा इसमें नहीं समझ रहा, इसमें नहीं हो पा रहा सर। ये जो एम्परसेंड आपने लगाया है कस्टमर नेम के बाद, इसमें स्पेस डालना पड़ेगा क्या सर? जरूरी नहीं है, डाल सकते हो नहीं भी डाल सकते हो। लो मैं हटा दिया, स्पेस से आपको दिक्कत है तो हटा देता हूँ। अगर हटा के देखो तो हाँ हटा के भी आ गया। मेरा एरर आ गया था सर, इसके लिए मैं आपको पूछा, मेरा एरर आ गया था। एरर आने का चांस कुछ और गलती की होगी आपने। मैंने गलती किया कि मैंने डेटा नहीं लिया, मैंने कस्टमर नेम लिख दिया वहाँ पे। याद रखिए सिंपल सी बात रखिए, एक चीज याद रखिए, आप पावर बीआई के अंदर कोई भी फंक्शन लगाते हैं ना सर, तो एक चीज का ध्यान रखना चाहिए क्या कि आप कोई भी फील्ड मैनुअल टाइप नहीं करेंगे। पर मैंने गलती हुई क्या, मैनुअल टाइप कर दिया। बराबर सर, जैसे मुझे अगर शिफ्ट मोड लेना है तो मैं शिफ्ट मोड लिखूंगा जरूर, लेकिन जैसे लेके यहाँ पे टैब से सिलेक्ट करूंगा, क्या करूंगा टैब से सिलेक्ट करूंगा। अगर आपने इसके अंदर कुछ इस तरह का कांड कर दिया तो समझ जाइए कि आपका फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा। फिर आप यही बोलेंगे सर बादाम खिला दो। नहीं नहीं सर, मैंने मेरा गलती समझ गया, मैं मैनुअल टाइप कर रहा था, मैं वो डेटा टाइप नहीं किया। बराबर, अभी समझा सर। और लास्ट टाइम क्या हुआ था कि ऐसे ही क्लास में बार बार बादाम का जिक्र कर रहा था, यूट्यूब पे वीडियो डाला, यूट्यूब पे किसने कमेंट डाल दिया कि सर बादाम बहुत प्यार है, एड्रेस भेजिए 2 किलो बादाम भेज देता। आज भी डालोगे तो आज भी कोई बोलेगा सर बादाम का ऐड ज्यादा। मैं भी ऐसा नहीं था कि मैं कुछ, मैंने नीचे कमेंट डाल दिया कि वेबसाइट से एड्रेस उठा लो। सही है, चलिए समझ में आ गया। मैंने स्टेप बराबर लिया था सर कॉन्क्रीट का, सर आगे ना वो मैंने मैनुअल टाइप कर दिया तो गड़बड़ हो गया सर इसके लिए। अब दो डेट के बीच में मुझे डिफरेंस तो निकालना है, डीआईएफ की हम बात करें, दो डेट में डिफरेंस तो निकालना है लेकिन सैटरडे संडे को इग्नोर करना है। तो यहाँ पे आपको नेटवर्क दी जाएगा और इसमें आप स्टार्ट डेट दे दीजिए, सीक डेट और टुडे कर दीजिए ठीक है। अब यहाँ पे वीकेंड सेलेक्ट कर लीजिए,
वीकेंड जो है आपका 1 2 3 4 5, तो मैं 2 मैंने ऑन कर दिया कि संडे में छुट्टी है और एंड पे वर्क्स की, ये आपका हल है। सर वो पकड़ेगा कैसे वन संडे बोल के? एक सीक्वेंस नंबर होता है, इसके लिए क्या करना होगा आपको कि इसकी जो फंक्शन लिस्ट मैंने आपको दी थी ना उसमें जाके देखिएगा, उसमें नंबर मिल गया दिया था ना फंक्शन लिस्ट, हाँ मान लो पीडीएफ दिया था, हाँ उसमें देखिएगा जाके, वहां पे दिया हुआ अच्छे से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दो डेट के डिफरेंस समझ में आ गया। अगर मान लीजिए कि मुझे सिर्फ डेट के 20 दिन बाद का वर्किंग डेट चाहिए, तो यहां पे हमने यहां पे किया वर्क, नहीं वर्क डे नहीं होता इसमें, नेटवर्क नहीं वर्क डे नहीं, इसका मतलब नहीं, इसमें वर्क डे नहीं है, पहले था लेकिन इसमें हटा दिया गया इसने, हटा नहीं दिया, हटा दिया, हटा दिया। आप सर तो पावर भी अपडेट कर दो, आपका अपडेट आ रहा है, हाँ अपडेट आया हुआ है, हाँ ये अभी मत करो सर, अभी मत करो नहीं तो होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हो गई, अब अगर मुझे लास्ट डेट चाहिए किसी डेट का तो क्या करेंगे, ईओ मंथ, याद है तो जैसे वहां लगाए थे ऐसे यहां भी लगा ली ईओ मंथ। एंड ऑफ ईओ मंथ में स्टार्ट डेट दीजिए, जैसे मैं ले देता हूँ सिक डेट और इसमें कॉमा मैंने कर दिया 0, इट मीन सेम मंथ, तो लास्ट मंथ यहाँ दीजिए, ठीक है सर। हाँ सर ये भी बढ़िया है, मतलब वही सेम है, कुछ फर्क नहीं, ठीक है। तो ये डेट एंड टाइम की कैलकुलेशन होगी जो आपके सामने है, राइट, क्लियर है। तो इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा पढ़िएगा तो फिर दिमाग के ऊपर से निकल जाएगा, आपने बादाम भी नहीं खाया ना इसलिए, ठीक है ठीक है ठीक है। ये मतलब सर तो ये सब कंप्लीट हो गया कि और इसमें है और डेट और टाइम, इसमें टाइम की है तो टाइम बताऊंगा आगे, ठीक है ठीक है ठीक है। ये आप धीरे धीरे ही जाओ, इसलिए वन टू वन क्लास में तो फायदा होता है, ग्रुप क्लास ज्वाइन करेंगे तो हमें नहीं सुनते कि सर धीरे जाओ चलते इस दा, तो ग्रुप क्लास में 10-12 बच्चे होते हैं ना, हमें सबको मिला के चलना होगा। ओके ऐसे ग्रुप क्लास मेरी 16 तारीख से स्टार्ट हो रही है, आपके कोई फ्रेंड्स होंगे तो उनको बोलिएगा ज्वाइन कर सकते हैं, फीस मात्र 2,000 रुपये होगी। हाँ वो देखा मैंने सर, वो मैंने मैंने मेरे ग्रुप में भेज दिया है, चलो अगर कोई ज्वाइन करेगा तो आपको मैसेज कर देगा, ठीक है सर। आज के ठीक है इतना मैंने ही, पूरा मिलते हैं अगली क्लास में, रिकॉर्डिंग भेजता हूँ थोड़ी देर में, हाँ चलेगा।